नहीं चलाते हैं, जबकि जन्नत अपने सराहने ये पंखा चला के सो रही। रात के 3 बजे जन्नत को लगी थी भूख, राइट? हाँ, मार दे छूट नहीं सी लगी। आपको पता लड़ाई की वीडियो बनाए ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो फाइन आ जाता है, राइट? लेकिन मामला आई थिंक सुलझ गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी आवाज़ होती है अज़ान की, इतना प्यारा मौसम, हवाएं, अज़ान, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी फजर की नमाज़ पढ़ते हैं चल के। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर हम उठ चुके हैं जी, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था और अजन का टेडी बियर से पढ़ाओ। अच्छा, मौसम इतना अच्छा है और हम लोग एसी नहीं चलाते हैं, जबकि जन्नत अपने सराहने ये पंखा चला के सो रही। ये देखें, इसके काम चेक करें आप। अभी बस उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की इंशाल्लाह, फिर उसके बाद नाश्ता वाश्ता बनाते हैं, फिर अपनी रूटीन वाइज काम स्टार्ट करते हैं। नाश्ता जी हमारा बन के आ गया है और जन्नत ने बनाई है जी दूध पत्ती चाय, और उसके साथ जी है केक रस पड़े हुए थे और देसी घी का बना हुआ बेसन की टुकड़ियाँ। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बना के दी थी जब मैं आ रही थी। तो ये बस जी हमारा बहुत ही सादा सा नाश्ता है। अभी हम चाय पियेंगे और साथ में जो है वो केक रस खा लेंगे साथ में। अच्छा, ये थोड़ा सा हैवी होता है तो ये इतना ही नाश्ता किया जाएगा। ये पराठा जो है ना आज वो हमने नहीं बनाया, तो आज हमने ये वाला नाश्ता जो है वो किया है। इसके बाद मैंने सोचा चिकन भाई निकाल देती हूँ, आज कुछ बना लूँगी, कुछ रैप सैंडविच या कुछ भी। मतलब चिकन से आपको पता बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको निकाल के बाहर रखा तो मेरे जहन में आया, आज मेरा इतना दिल कर रहा है कुछ दिन से आलू की नान टिक्की, जैसे पंजाब में मतलब हम लोग तो बहुत खाते थे फैसलाबाद में, मुझे पता नहीं है बाकी रहने वाले खाते हैं या नहीं खाते। तो मैंने जन्नत से कहा, जन्नत आज मैं तुम्हें बना के खिलाती हूँ बहुत मज़ेदार सी नान टिक्की। नान हम बाहर से मंगवा लेते हैं, साथ में मैंने इसमें धनिया पुदीना और साथ में सब्ज़ मिर्च और हल्का सा नमक डाला है और दही डाल के हम मज़ेदार सी चटनी जो है ना वो हम रेडी कर लेंगे। अच्छा, जन्नत मुझे कहती होती है मामा ऐसे कहा करें मज़ेदार। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, बहुत बहुत भाई मज़े की ये बनी थी, क्योंकि इसमें पुदीना मैंने ज़्यादा डाला था, धनिया कम डाला था, तो इसकी ना अपना ही एक खुशबू, अपना टेस्ट ही अलग होता है। उसके साथ साथ मैं अभी बाहर गई थी मदीना कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो सोच में कुछ और रही थी बनाने के लिए, लेकिन फिर मुझे वहाँ पे जब ये दिखे मसाला फ्राइज़ थे और आलू की टिक्की भी बनी बनाई मिल गई, तो मैंने असल में लेने तो मैं आलू धनिया और ये सब कुछ गई थी, ले भी आई थी, लेकिन वो मैंने सोचा कि इसको भी एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, अच्छा ब्रांड था। तो मैंने टिक्की जो है वो तो जाहिर है मैंने खुद ही बनानी थी, उसमें मसाला जात वो बहुत फीकी थी, बहुत फीकी थी, लेकिन फ्राइज़ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो मैंने इसमें बनाई हैं 6 कटलेट्स मैंने बना लिए, 2 मैं भिजवा दूँगी सनम को और 4 जो है ना वो मैं अपने और जन्नत के लिए बनाए थे, लेकिन बाद में ख़त्म ना मुझसे हुए ना जन्नत से हुए, मतलब इतनी हैवी किस्म के बने थे, लेकिन बहुत ही आला बनी थी। अगर आप भी आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और मिस कर रहे हैं नान टिक्की को, तो ये वाली ट्रिक लाजमी आजमाइएगा, आप यकीन करें इतना मज़े का बना था ना, बहुत मज़े का बना था। मतलब पूरा प्लेटर मैंने तैयार किया था और बिल्कुल ऐसे ही फीलिंग्स आ रही थी जैसे वो आप सही प्योर वाली रेडी से लेके निकालते। मुझे बहुत बहुत मज़े की बनी थी माशाल्लाह।
तो यहाँ पे जी हमारी टिक्कियाँ जो है वो रेडी हो गई हैं और हमारे फ्राइज़ भी हो गए हैं रेडी। इनको निकालते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको असल मज़ा तो अब आने वाला है। अब देखिएगा कि मैं करती क्या हूँ, फिर जाके इसकी कोई अच्छी सी बल्कि अच्छी सी नहीं बहुत अच्छी सी यमी सी शक्ल भी बनेगी और बहुत मज़े की बनी थी यार ये। लेकिन खाने वाली है गर्मा गर्म, इनको ठंडा करके खाएंगे फिर कोई मज़ा नहीं आने वाला। तो यहाँ पर जी ये देखें दो टिक्कियाँ ली मैंने, उनको हल्का सा दरमियान में से प्रेस कर लें और बेशक हाथ से कर लें, मैं तो चम्मच से कर रही थी, आप मर्ज़ी आपकी जैसे मर्ज़ी इसको कर लें। और थोड़ा सा प्रेस करके इसके ऊपर आपने डालना है ढेर सारा चाट मसाला, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा अगर तो आपने घर में खुद बनाई है तो स्पाइसी होंगी, तो उस हिसाब से आप चाट मसाला फिर भी डालिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इस पर निचोड़ा लेमन, उफ अल्लाह क्या मज़ेदार सी। अब मैं हमें वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। उसके ऊपर हमने रखना है प्याज और उसके बाद साथ में रखेंगे थोड़े से फ्राइज। अब ये जो हमने बनाई थी एंड पे जो चटनी बनाई थी हमने, वो चटनी आपने भर भर के इसके ऊपर डालनी है, इतनी कि ये उसमें डूब जाए। और क्या कमाल बना था, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मज़े की बनी थी माशाल्लाह कि बिल्कुल ही वो फीलिंग्स आ रही थी कि वाकई हम वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। और नान जो है वो मैंने बाहर से ऑर्डर किए थे, ये देखें हमारा प्लेटर तैयार हो गया, पंजाबी आलू नान टिक्की, वाओ। तो इस तरह की चीज़ हम खुद घर में भी बना के खा सकते हैं। खैर उसके बाद जी शाम हो गई थी, मैं थोड़ी देर 2 घंटे लाजमी रात को ना सोती होती हूँ खाने के बाद। यहाँ रात के 3 बज रहे थे और जन्नत को खैर भूख लगी थी, वो आप नेक्स्ट जाके मेरी वीडियो में भी सुन सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ नोश फरमाने आए थे, मैं सनम और जन्नत। और बहुत बहुत प्यारा आजकल यार मौसम हो रहा है, वाकई यूए के ना दिल लुभाने वाला मौसम, इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। लेकिन खैर रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इक्का दुक्का लोग थे, कुछ ज़्यादा लोग भी नहीं थे, बहुत पुरसकून सा माहौल था, बहुत पुरसकून। आपको पता है कि ये वैसे ही इतना सेफ है, आप कभी भी निकल जाएं, कुछ भी है, मतलब आपको बिल्कुल, इसीलिए तो बेधड़क हम रात को भी उठ के चले जाते हैं कि यहाँ पे कोई किसी को कुछ कह ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमने जी ब्रोस्ट ऑर्डर किया था, एक शवारमा ऑर्डर सैंडविच है राइट, और उसके साथ जी हमने ब्रोस्ट मंगवाया था विद चिप्स। तो अभी बस हम ये खाएं पियेंगे, इंजॉय करेंगे और फिर हम चलेंगे घर की तरफ। ये जी हम आए थे शवारमा पे रात के 3 बजे, जन्नत को लगी थी भूख राइट, हाँ मार दे छूट नहीं सी लगी। हाँ लगी नहीं, मुझे लगी थी लेकिन जितनी तुम्हें लगी थी उतनी मुझे नहीं लगी थी, है ना। ये देखें जन्नत, ये अभी भी, ये देखें आप इसके मुंह में अभी भी सिट्रा है और मैं कुछ भी नहीं खा भी रही। साथ में हमें ज्वाइन किया था सनम ने, नहीं लेके आ रही। यहाँ पर देखिए अभी तक स्टिल, मतलब सुबह के 4 बज रहे हैं और लोग अभी तक बैठे हुए फुल इंजॉय कर रहे हैं मौसम को, क्योंकि मौसम है बहुत ही प्यारा। ऐसी इतनी स्पीड से चल के क्या करना है, घर ही जाना है ना, इस तरह वॉक करते हुए जाओ। खाना खा, वो क्या कहते हैं, रात का खाना खाने के बाद 70 कदम चलना चाहिए। हाँ बस 70 कदम जो है ना वो घर तक पहुँचते हुए हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलें ताकि आपका खाना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हजम हो जाए घर जाते तक। घर ऐसा ना कि घर पहुँच के फिर आपको भूख लगे, है ना, घर जाके घर जा, असल में पीछे एक लड़ाई हुई है अभी अभी। मैं उसका भी ध्यान रख रही थी, उनकी सुलह हुई है कि नहीं हुई मैं आपको दिखा नहीं सकती। इधर आपको पता लड़ाई की वीडियो बनाए ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो फाइन आ जाता है। वो कहाँ गई है, वो देखें उस तरफ हो रही है, इस तरफ तो वो ज़रा दूर है मेरे से। अचानक बात करते करते मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे आवाज़ आई लेकिन मामला आई थिंक सुलझ गया है। मामा ने बैठ के पूरी कमेंट्री की है। हाँ हाँ मैं इनको बता रही थी साथ साथ, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो देखो वो लड़के चला गया, उसको मनाने पीछे जा रहे हैं, अब ये हो गया, अब तो वो गया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना यार। जन्नत तुम चाय पिलाओगी या इस कैटल से पिए? इस कैटल से पिए। नहीं जन्नत मुझे नहीं, तुम्हारे हाथ की मज़ेदार सी चाय ऐसे नहीं हो, मज़ेदार
नहीं मजेदार। तो अभी हम जाएंगे घर के, लेकिन इसकी भी चाय अच्छी है, बहुत 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 अच्छी चाय है। वो अलग बात है कि हम नहीं पीते, हमें घर की चाय पसंद है। इनकी चाय होती है कड़क चाय, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं। हाँ मुझे कड़क चाय बिल्कुल नहीं पसंद, सही बात है, ऐसे ही पीती हूँ। चले आप घर जाके चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर आपको घर जाके मिलते हैं। चलें जी, हम पहुंच चुके हैं घर और जन्नत अब बनाएगी हमारे लिए चाय, मेरे और सनम के लिए। और चाय बनाने का जन्नत का तरीका देखें, माओ को होता है हिसाब किताब ज़रा। जन्नत हमेशा जब चाय बनाती है वो हमेशा इसी तरह से मैयर करती है कप के साथ, मेरे से दूध ज़्यादा ना हो जाए, ये कम ना हो जाए। और उसके बाद वो इलायची सौंफ वाला पाउडर तो बिल्कुल ढालेगी, क्योंकि उसके बगैर मैं चाय नहीं पीती। उसके बाद जाएगी जी इसमें पत्ती, और उसके बाद जी जाएगी चीनी। और ये रही जी जन्नत की मज़ेदार सी चाय जो इसने बनानी है। अब कमाल ये है कि इसी चाय को इतना फेंटना है, इतना फेंटना है, इतना फेंटना है कि बस इसमें से ना मज़े की खुशबू आने लगे और अच्छे से पक जाए। तो ये चाय होती है जो मुझे बड़ी पसंद है, मुझसे वो इतनी ज़्यादा कड़क वाली चाय जो है ना वो नहीं पी जाती, पता नहीं बस क्यों। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।